इस समय हम खड़े हैं गोरखपुर नगर निगम में। गोरखपुर नगर निगम में एक बहुत बड़ा खेल चल रहा मैलाथियन घोटाला, जिसके उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा ने लिखित शिकायत दी है। आइए जानते हैं ऋषि मोहन वर्मा का क्या है कहना। जी जिस तरह मैलाथियन घोटाले के लिए आप शिकायत किए, क्या क्या पूरा मामला है? नगर निगम द्वारा मैलाथियन का छिड़काव उन जगहों पर किया जाता है जहाँ पे संक्रामक रोग फैलने की आशंका हो या दुर्गंध उठ रहा हो, कूड़ा हो और कूड़े की सफाई हुई हो, ऐसे जगहों पे अवशेष जहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ पर मैलाथियन का छिड़काव करा के उसका निरोधात्मक कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे में डस्टिंग के समय अगर मैलाथियन निष्प्रभावी रहेगा, मैलाथियन मानक के विपरीत मिलेगा, तो वह अपना काम नहीं सही तरीके से करेगा, ना हम संक्रमण को रोक पाएंगे। ऐसा मामला हमें एक हफ्ता पहले पता चला जब हम लोगों के वहाँ IDH संक्रामक रोग विभाग है नगर निगम में, वहाँ से मंगाया गया मैलाथियन की कुछ जगहों पर छिड़काव कराने की आवश्यकता है। पब्लिक की डिमांड थी, पब्लिक की मांग थी। जब मैलाथियन मंगाया गया, बोरी को खोला गया, तो मैलाथियन पूरी तरह से निष्प्रभावी मिला। उसमें किसी तरह का महक गंध नहीं था जिससे कि हम लोग वहाँ पर छिड़काव करा सकें। तो ऐसे में क्या लग रहा है, कितने करोड़ का तो ये मामला आपूर्ति पर है? नगर निगम के द्वारा कोई भी आपूर्ति अगर नगर निगम में होती है, विभागों में कोई भी आपूर्ति होती है किसी भी सामान की, तो उसकी कमेटी रहती है, कमेटी सत्यापन करती है। सत्यापन करने के बाद वो क्षेत्र में जाता है, चाहे छिड़काव के लिए या उसके उपयोग के लिए। तो आप उपसभापति हैं, आपको ये पता चला कि अगर मैलाथियन घटिया है या चूना है या मैलाथियन है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, कितने दिनों से खेल चल रहा है? देखिए ये तो नहीं बताया जा सकता है, तो जांच का विषय है। तो क्या लग रहा है, करोड़ों का यारा न्यारा होगा इसमें? ऐसा नहीं है, हमें नगर आयुक्त साहब ही हम इस मामले की जांच करेंगे। हाँ। मैंने उनके संज्ञान में, नगर आयुक्त महोदय के संज्ञान में इस पूरे प्रकरण को लाया है और उन्हें वह बोरी जो पैक है अभी भी, उस बोरी को उनके सामने भी खोल करके दिखाया जाएगा। वह बोरी मैं कल ले आऊँगा और ले आ करके नगर आयुक्त महोदय के समक्ष रखूँगा। जो जनवरी में आया था वो भी बोरी और जो फरवरी में आया है वो भी बोरी। अच्छा मैलाथियन का काम क्या होता है, किस लिए छिड़ा जाता है? मैलाथियन मूल रूप से संक्रामक रोग न फैले या ऐसे जगह पे जहाँ पर गंदगी हो, दुर्गंध हो, वो उसके निरोधात्मक के लिए मैलाथियन का छिड़काव किया जाता है। आपने पैड पर कुछ लिखा भी है, किनको किनको अभी तक शिकायत आपने की? नगर आयुक्त महोदय को लिखित शिकायत ये किया गया है और उन्हें उनके संज्ञान में लाया गया है, क्योंकि कमेटी का सत्यापन, कमेटी के सत्यापन के बाद ही कोई सामान की आपूर्ति जो होती है वह पुष्टि होती है उसकी। अच्छा आप उपसभापति, ऐसे में क्या लग रहा है, करोड़ों का कुछ यारा नारा लग रहा है आपको? तो जांच का विषय है, मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि नगर निगम को आर्थिक क्षति की बात भी हमने लिखी है। कि अगर इस तरह की बात सामने आती है कि मैलाथियन गड़बड़ आपूर्ति जिसने भी किया और आपूर्ति अगर गलत हुई, तो जितने रकम की आपूर्ति हुई होगी तो उससे रिकवरी होनी चाहिए या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए, की जानी चाहिए। ये हमारे साथ थे ऋषि मोहन वर्मा, जो गोरखपुर नगर निगम के उपसभापति। इनका साफ साफ कहना है, घोल हुआ है लेकिन बड़ा जांच का विषय है। अजीत सिंह, न्यूज़ 24, गोरखपुर।